22वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत प्रयोजन तत्व का विचार आरंभ। आज एकादशी है। श्रीवास आंगन में बकुल पेड़ के नीचे लंबे चौड़े चबूतरे के ऊपर वैष्णवजन कीर्तन कर रहे हैं। कोई कोई हा गौरांग हा नित्यानंद कहकर लंबी सांसें भर रहे हैं। हमारे वृद्ध बाबा जी महाशय न जाने किस भाव में विभोर हैं। देखते ही देखते वे बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गए और कुछ देर बाद हा धिक कहकर बड़े जोर से रोने लगे। हाय, मेरे रूप कहाँ हैं? मेरे सनातन कहाँ हैं? मेरे दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे प्राण प्रिय सहोदर कृष्णदास कविराज मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? हाय, उनका विच्छेद दुख सहने के लिए मैं आज भी जीवित हूँ? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राधा कुंड का ध्यान भी मुझे कष्टकर प्रतीत होता है। मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। रूप सनातन दर्शन देकर मेरे विकल प्राणों की रक्षा करें। उनसे विच्छेद होने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार कहते कहते वे आंगन की धूली में लौटने लगे। उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, बाबा जी आप शांत हों, रूप रघुनाथ आपके हृदय में ही हैं। इधर देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपके सामने नृत्य कर रहे हैं। ऐं ऐं कहाँ? बाबा जी उछल कर एकदम खड़े हो गए। सामने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर और श्रीनिवास आदि भक्तजनों को कीर्तन करते देखा। वे सभी महाभाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर बोले, धन्य मायापुर, व्रज का शोक केवल मायापुर में ही दूर होता है। दृश्य का अंतर ध्यान होने पर वे बहुत देर तक नृत्य करते रहे, पश्चात शांत होकर अपनी कुटी में बैठे। बाबा जी अभी बैठे ही थे, विजय कुमार और ब्रजनाथ ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उन्हें देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम लोगों का भजन कैसा चल रहा है? दोनों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा ही हमारा सर्वस्व है। जन्म जन्मांतरों की संचित सुकृति राशि के कारण ही हमने अनायास आपके चरण कमलों में स्थान पाया है। आज एकादशी है, आपकी आज्ञानुसार हम निर्जला उपवास रहकर आपके दर्शनों के लिए आए हैं। बाबा जी तुम लोग धन्य हो, जल्दी ही भावावस्था प्राप्त करोगे। विजय कुमार, प्रभु भावावस्था किसे कहते हैं? आपने तो अभी तक हमें भावावस्था के संबंध में कुछ भी नहीं बतलाया है, बतलाने की कृपा करें। बाबा जी मैंने अब तक तुम लोगों को साधन के विषय में ही शिक्षा दी है। साधन करते करते सिद्धावस्था आती है, उस सिद्धावस्था का प्रागभाव अर्थात पूर्वाभास ही भाव है। श्री दशहून में सिद्धावस्था का इस प्रकार वर्णन है, स्वरूप अवस्थाने मधुर रस भवोदय इह ब्रजे राधा कृष्ण स्वजन जन भावम हृदि वहन परानंदे प्रीतिम जगत तुल संपत सुखमहो विलासाख्ये तत्वे परम परिचर्याम सा लभते। दशमूल दस क। अर्थात साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था में जीव जब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब आह्लादनी शक्ति के प्रभाव से उसमें मधुर रस का भाव उदित होता है। अर्थात उसके हृदय में ब्रज में श्री राधा कृष्ण के स्वजन परिजनों के अनुगत होने का भाव उदित होता है। क्रमशः जगत में अतुल संपत सुख और विलास सख्य परानंद तत्व की सेवा भी उसे प्राप्त होती है। जीव का इससे अधिक कोई और लाभ नहीं है। इस श्लोक में प्रयोजन रूप प्रेमावस्था का ही वर्णन है। प्रेम अवस्था की प्रथम अवस्था ही भाव है। प्रभु कह को जीवा कथम इदम चिद विश्वम इति वा विचार्ये तान अर्थान हरि भजन कृत शास्त्र चतुरः अभेदाशाम धर्मान सकलम पराधम परिहन हरेर नाम आनंदम पिबति हरिदासो हरिजने हैं। दशमूल दस खा। अर्थात कृष्ण कौन है?
मैं अर्थात जीव कौन हूँ, ये चित अचित विश्व क्या है, इन विश्वों का विवेचन कर हरि भजन परायण शास्त्र विषय में कुशल व्यक्ति अभेद की आशा, समस्त प्रकार के धर्म अधर्म और अपराधों का वर्जन कर सत्संग में रहकर अपने को हरिदास समझते हुए हरि नाम आनंद का आस्वादन करते हैं। यह दशमूल एक अपूर्व सुंदर संग्रह है। श्रीमन महाप्रभु की सारी शिक्षाएं इस दशमूल में गागर में सागर की भांति भरी हैं। विजय, मैं दशमूल का संक्षेप में महात्म्य सुनना चाहता हूं। बाबा जी श्रवण करो। संसेव्य दशमूलम वै हित्वा अविद्याम अयम जनः भाव पुष्टिम तथा तुष्टिम लभते साधु संगतः। दशमूल महात्म्य अर्थात इस दशमूल का सेवन करने से जीव का विद्या रूप रोग जड़ से दूर हो जाता है एवं तदनंतर वह साधु संघ द्वारा भाव की पुष्टि और तुष्टि लाभ करता है। विजय, प्रभो यह पूर्व दशमूल हम सबके गले का कंठहार हो। हम लोग प्रतिदिन इस दशमूल का पाठ कर श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया करेंगे। आप कृपया भाव तत्व को विस्तार से बतलाइए। बाबा जी, यदि प्रेम को सूर्य मान लिया जाए तो प्रेम रूप सूर्य का अंश शुद्ध सत्व विशेष रूप तत्व ही भाव है। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप ही भाव का स्वरूप लक्षण है। भाव का दूसरा नाम रति है। भाव को कोई कोई प्रेम अंकुर भी कहते हैं। सर्व प्रकाशिका स्वरूप शक्ति की संवित नामक वृत्ति को शुद्ध सत्व कहा जा सकता है। वह माया की वृत्ति नहीं है। उस संवित नामक वृत्ति के साथ आह्लादनी वृत्ति मिलित होने पर उस पर सार अंश ही भाव कहलाता है। संवित वृत्ति द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है और आह्लादनी वृत्ति द्वारा वस्तु आस्वादित होती है। कृष्ण ही परम वस्तु है। कृष्ण रूप परम वस्तु को स्वरूप शक्ति की सर्व प्रकाशिका वृत्ति से जाना जाता है। उन्हें जीव शक्ति की संवित वृत्ति से नहीं जाना जा सकता। भगवान की कृपा या भक्त की कृपा द्वारा जब जीव के हृदय में स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होता है तभी जीव के हृदय में स्वरूप शक्ति की संवित वृत्ति काम करती है। ऐसा होने पर ही चित जगत का ज्ञान प्रकाशित होता है। चित जगत का स्वरूप ही शुद्ध सत्व है। माइक जगत का स्वरूप सत्व रज और तम गुणों से मिश्रित स्थूल तत्व है। उस चित जगत के ज्ञान के साथ आह्लादनी का सार मिलित होने पर चित जगत का मधुर आस्वाद उदित होता है। वही आस्वाद पूर्ण रूप से उदित होने पर प्रेम कहलाता है। यदि प्रेम को सूर्य माना जाए तो भाव उसकी किरण है। भाव के स्वरूप का यही परिचय है। भाव की विशेषता यह है कि वह जीव के हृदय को पवित्र कर अतिशय मिश्रण अर्थात कोमल बनाता है। रुचि शब्द से प्राप्ति अभिलाष अनुकूल अभिलाष और सौहार्द अभिलाष का बोध होता है। भाव को प्रेम का पहला चित्र कहा जा सकता है। मत्सृण शब्द से चित्र की आर्द्रता कोमलता समझनी चाहिए। तंत्र में प्रेम की प्रारंभिक अवस्था को भाव बतलाया गया है। भाव का उदय होने पर पुलक आदि सात्विक विकार समूह अल्प मात्रा में प्रकाशित होते हैं। नित्य सिद्धों में भाव स्वतः सिद्ध होता है। वही भाव बद्ध जीव की मनोवृत्ति पर आवरभूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त होता है। अतएव स्वयं प्रकाश रूप होकर भी प्रकाश की तरह अर्थात पहले नहीं था अब पैदा हो गया ऐसा भासता है। भाव का स्वाभाविक कार्य ही कृष्ण स्वरूप और कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाश करना है। मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित रहकर भी वह दूसरे प्रकार के ज्ञान द्वारा प्रकाश का सा भाव धारण किए हुए है। वास्तव में रति स्वयं आस्वादन स्वरूपा होती है और ऐसा होने पर भी वह बद्ध जीव के लिए कृष्ण और कृष्ण लीला आस्वादन के हेतु के रूप में दिख पड़ती है। ब्रजनाथ, भाव कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी, उत्पत्ति भेद से भाव दो प्रकार का होता है। पहला साधन अभिनिवेशज भाव और कृष्ण भक्त का प्रसादज भाव। साधारण तौर पर साधन अभिनिवेशज भाव ही लक्षित होता है।
प्रसादज भाव विरले ही देखा जाता है। ब्रजनाथ, साधन अभिनिवेशज भाव किसे कहते हैं? बाबा जी, वैदी और आगुनुगा मार्ग के भेद से साधन अभिनिवेशज भाव दो प्रकार का होता है। साधन अभिनिवेशज भाव सबसे पहले रुचि को उत्पन्न करता है, पश्चात भगवान के प्रति आसक्ति और अंत में रति को उत्पन्न करता है। पुराणों और नाट्य शास्त्रों में रति और भाव को एक माना जाने के कारण मैं भी दोनों को एक ही मान रहा हूँ। वैदिक भक्ति साधन अभिनिवेशज अवस्था में श्रद्धा पहले निष्ठा को उत्पन्न करती है और पीछे निष्ठा रुचि को पैदा करती है, परंतु रागानुगा भक्ति के साधनज भाव में एक ही बार रुचि उत्पन्न होती है। प्रश्नार्थ, कृष्ण और कृष्ण भक्त प्रसादज भाव किसे कहते हैं? बाबा जी, बिना किसी प्रकार के साधन के जो भाव अकस्मात उदय हो पड़ता है उसे कृष्ण प्रसादज भाव या कृष्ण भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। ब्रजनाथ, श्री कृष्ण प्रसादज भाव की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, कृष्ण प्रसाद अर्थात कृपा तीन प्रकार का होता है, वाचिक, अलौकिक दान और हार्द। कृष्ण किसी ब्राह्मण पर कृपा करते हुए बोले, हे द्विजेंद्र, सर्वश्रेष्ठ मंगल को प्रदान करने वाली पूर्ण आनंदमयी अव्यभिचारिणी मेरी भक्ति तुम में उदित हो। ऐसा कहते ही उसके हृदय में वाचिक प्रसादज भाव उदय हो गया। वन में रहने वाले ऋषियों ने आज से पहले कृष्ण को कभी नहीं देखा था, आज कृष्ण का दर्शन करते ही उनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। यह कृष्ण की कृपा का प्रभाव था, यह आलोक दानज भाव का उदाहरण है। अंतःकरण में जो प्रसाद उदित होता है उसका नाम हार्द भाव है। हार्द भाव का उदाहरण शिशुक आदि भगवत भक्तों के जीवन चरित्र में पाया जाता है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार में ये तीनों प्रसादज भाव अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं। श्रीमन महाप्रभु को देखकर असंख्य लोगों को भावोदय हुआ था। जगाई मधाई आदि ने वाचिक प्रसादज भाव प्राप्त किया था। जीव गोस्वामी आदि ने अंतर प्रसादज भाव प्राप्त किया था। ब्रजनाथ, तद्भक्त प्रसादज भाव किसे कहते हैं? बाबा जी, श्री नारद मुनि की कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भगवत भाव प्राप्त हुआ था। श्री रूप सनातन आदि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति के भाव उदित हुए थे। विजय, भाव उदय होने का लक्षण क्या है? बाबा जी, भाव उदय होने पर साधक में शांति अर्थात क्षमा, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंद, उत्कंठा, नाम संकीर्तन में रुचि, कृष्ण के गुणगान में रुचि और कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति, ये सब लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं। विजय, शांति किसे कहते हैं? बाबा जी, क्रोध या चित चांचल्य का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहने को शांति कहते हैं, शांति को क्षमा कह सकते हैं। विजय, अव्यर्थ कालत्व किसे कहते हैं? बाबा जी, समय व्यर्थ ना जाए इसलिए निरंतर भजन में तत्पर रहने का नाम अव्यर्थ कालत्व है। विजय, विरक्ति का तात्पर्य बतलाइए। बाबा जी, विषय सुखों के प्रति इंद्रियों की अरुचि को विरक्ति कहते हैं। विजय, जिन लोगों ने वेश ले लिया है वे अपने को विरक्त कह सकते हैं या नहीं? बाबा जी, वेश एक लौकिक व्यापार है। हृदय में भाव उदित होने पर चित जगत के प्रति प्रबल रूप में रुचि होती है और जड़ जगत के प्रति जो रुचि थी वह धीरे धीरे कम होती जाती है, तथा अंत में जब भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तब जड़ रुचि भी शून्य प्रायः हो जाती है। इसी का नाम विरक्ति है। विरक्ति लाभ करने के पश्चात अपनी आवश्यकताओं को कम करने के उद्देश्य से जो वैष्णव वेश लेते हैं उन्हें विरक्त वैष्णव कहते हैं। जो लोग भाव उदय होने के पूर्व ही वेश ले लेते हैं उनका वेश अवैध है, अर्थात वह वेश वेश नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने छोटे हरिदास को दंड देते हुए जगत को यही शिक्षा दी है। विजय कुमार, मान शून्यता किसे कहते हैं? बाबा जी, धन बल रूप उच्च पद
उच्च जाति और उच्च कुल आदि से अभिमान पैदा होता है। इसके वर्तमान रहने पर भी जिन्हें अभिमान नहीं होता वे मान्य शून्य हैं। पद्म पुराण में मान्य शून्यता का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। एक बड़े प्रतिभाशाली सम्राट थे, बड़े बड़े राजा उनके अधीन थे, परंतु सौभाग्यवश राजा के हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई। वे अपने विराट ऐश्वर्य और सम्राट पद का अभिमान छोड़कर शत्रु के नगर में मधुकरी भिक्षा द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने लगे। ब्राह्मण और शत्रु सबको नमस्कार करने लगे। विजय, आशाबंध किसे कहते हैं? बाबा जी, कृष्ण मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे, इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ भजन में मन लगने का नाम आशाबंध है। विजय, उत्कंठा किसे कहते हैं? बाबा जी, अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए अत्याधिक लोभ होने से उसे उत्कंठा कहते हैं। विजय, नाम कीर्तन में रुचि किसे कहते हैं? बाबा जी, जितने प्रकार के भजन हैं उन सब में श्री नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, इस विश्वास के साथ निरंतर हरि नाम लेने को नाम संकीर्तन रुचि कहा जाता है। श्री नाम में रुचि का होना परम श्रेय की प्राप्ति की कुंजी है। नाम तत्व के संबंध में दूसरे दिन समझ लेना। विजय, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति किसे कहते हैं? बाबा जी, श्री कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं, माधुर्यादपि मधुरम मन मत्ता तस्य किमपि कैशोरम, चापल्यादपि चपलम चेतो वत हरिति हंत किम कुर्मः। अर्थात माधुर्य से भी अधिक मधुर, चापल्य से भी अधिक चपल श्री कृष्ण का मनमत धर्मयुक्त कोई अनिर्वचनीय भाव मेरे चित्त को हरण कर रहा है, हाय मैं क्या करूं। श्री कृष्ण की गुणावली को जितना भी क्यों ना सुना जाए तृप्ति नहीं होती और अधिक उसे सुनने की इच्छा होती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। विजय, कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति कैसी होती है? बाबा जी, जब कोई भक्त श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हैं तब वे पूछते हैं, हे धामवासियों, हमारे प्राण प्रिय प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? महाप्रभु जी का कीर्तन मंडल किस मार्ग से होकर गुजरा था? कृपा करके ये भी बतलाइए कि प्रभु ने गोपों के साथ किस स्थान पर पूर्वान्न लीला की थी। धामवासी उत्तर देते हैं, यह स्थान जहाँ हम लोग हैं श्री मायापुर है। सामने तुलसी कानन से घिरा हुआ जो ऊंचा स्थान दिखलाई पड़ रहा है वहीं पर श्रीमन महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। देखो, ये गंगानगर, सिमुलिया, गादीगाछा, मजिदा आदि ग्राम हैं। इन्हीं ग्रामों से होकर श्रीमन महाप्रभु जी का सर्वप्रथम संकीर्तन मंडल निकला था। गौड़वासियों के मुंह से प्रेम से पगी हुई ऐसी मधुर बातों को सुनकर उनके शरीर में रोमांच उठता है, हृदय आनंद से गदगद हो जाता है तथा नेत्रों से अश्रुबिंदु झरने लगते हैं। इस प्रकार वे महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों की परिक्रमा करता है। इसी को तदवस्ती स्थले प्रीति अर्थात भगवत लीला स्थलियों में प्रीति कहते हैं। ब्रजनाथ, जहां इस प्रकार के भाव दिखलाई पड़े वहां क्या ऐसा समझना होगा कि उस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति रति उदित हो गई है? बाबा जी, नहीं, सरल रूप में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होता है उसी का नाम रति है। ऐसे भाव दूसरी जगह लक्षित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जा सकता है। ब्रजनाथ, कृपया दो एक उदाहरण देकर इस विषय को और अधिक स्पष्ट कीजिए। बाबा जी, मान लो एक व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, निराकार ब्रह्म की शुष्क और कष्टप्रद उपासना उसे दुखदायी जान पड़ी। उसने कहीं से सुना कि भगवान नाम का उच्चारण करने से वह मुक्ति अत्यंत सहज ही सुलभ हो जाती है। अजामिल आदि ने भगवान नाम का उच्चारण कर बड़ी आसानी से मुक्ति पाई है। ऐसा सुनकर वे बड़ा आनंदित हुआ और नाम की मुक्ति देने की शक्ति का स्मरण करता हुआ सहज ही मुक्ति मिल जाएगी इसलिए आनंद से विहल हुआ। रोते रोते नाम उच्चारण पूर्वक अचेतन होकर गिर पड़ा। यहां इस मुक्ति कामी साधक द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नाम नहीं है और ना उसका वह भाव ही कृष्णरति अर्थात शुद्ध भाव है।
क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका सरल भाव नहीं है, उसका मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम नहीं। उसके द्वारा उच्चारित नाम नामाभास है तथा उसका भाव भावाभास है। इसका उदाहरण कोई विषय भोगी की कामने वाला व्यक्ति दुर्गा देवी की पूजा कर वरम देही धनम देही आदि प्रार्थना करता है और दुर्गा देवी प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगी ऐसा सोचकर वह रोते रोते देवी के सामने हा दुर्गे कहकर लोटता पोटता है। यहाँ इस व्यक्ति का रोने और गिरने आदि में जो भाव दिखाई पड़ता है वह शुद्ध भाव नहीं है, बल्कि कहीं कहीं वह भावाभास और कहीं कहीं पर वह कुभाव कहलाता है। शुद्ध कृष्ण भजन के बिना भाव उदय नहीं होता। कृष्ण से संबंधित भाव को भी कुभाव या भावाभास ही कहेंगे, यदि उसका उद्देश्य भोग या मोक्ष हो। मायावाद से दूषित हृदय में चाहे जैसा भी भाव क्यों ना उत्पन्न हो, उन सबको कुभाव ही कहेंगे। ऐसा व्यक्ति यदि सात पहर तक का चेतन पड़ा रहे तो भी उसे भाव नहीं कहा जा सकता है। हाय, समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त और परम मुक्त जन भी जिसका निरंतर अनुसंधान करते हैं और अत्यंत भजनशील व्यक्ति को भी कृष्ण जिसे परम गोप्य होने के कारण सहज ही नहीं दिया करते, वह भगवत रति शुद्ध भक्ति शून्य और भोग मोक्षी कामना रूपी पंक से भरे हृदय में भला कैसे उदित हो सकती है। ब्रजनाथ, प्रभु, अनेक स्थलों में ऐसा देखा जाता है कि विषय भोग और मुक्ति कामियों के शरीर में हरिनाम संकीर्तन करते करते पूर्वोक्त भाव के लक्षण समूह उदित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाए? बाबा जी, ऐसे लोगों के भाव के बाहरी लक्षणों को देखकर केवल मूर्ख लोग ही आश्चर्य प्रकट करते हैं, परंतु जो लोग भाव तत्व को ठीक ठीक समझते हैं वे ऐसे भावों को रत्याभास कहते हैं तथा इससे सर्वदा दूर रहते हैं। विजय, ये रत्याभास कितने प्रकार का होता है? बाबा जी, दो प्रकार का, प्रतिबिंब रत्याभास और छाया रत्याभास। विजय, प्रतिबिंब रत्याभास किसे कहते हैं? बाबा जी, जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं वे ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, परंतु ब्रह्म ज्ञान की साधना बड़ी कठिन और कष्टदायिनी है। ऐसी दशा में यदि केवल हरिनाम करने से ही वह मुक्ति मिल जाए तो अत्यंत सहज ही और बिना परिश्रम ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा सोचकर बिना कष्ट सहे ही मुक्ति पाने की आशा से परम आनंदित होकर उनके शरीर में अश्रुपुलक आदि विकार के आभास मात्र उदित होते हैं। ऐसे अश्रुपुलक आदि भाव विकारों को प्रतिबिंब आभास कहते हैं। ब्रजनाथ, इसे प्रतिबिंब क्यों कहा गया है? बाबा जी, विषय भोग और मोक्ष चाहने वालों को यदि सौभाग्य से किसी समय सत्संग मिल जाता है तब वे भी भगवान नाम कीर्तन आदि करने लगते हैं और उस समय शुद्ध भक्त के हृदय आकाश में उदित भाव चंद्र का कुछ कुछ आभास उस मुक्ति पिपासु के हृदय में भी उदित हो जाता है। इसी का नाम प्रतिबिंब है। भोग और मोक्ष चाहने वालों के हृदय में शुद्ध भाव कदापि उदय नहीं होता है। शुद्ध भक्तों का भाव देखकर इनका भावाभास उदित होता है। उस भावाभास का नाम प्रतिबिंबाभास है। प्रतिबिंब भावाभास प्रायः जीवों का नित्य कल्याण उत्पन्न नहीं करता है, केवल भोग और मोक्ष प्रदान कर दूर हो जाता है। ऐसे भावाभास को एक प्रकार से नाम अपराध कहा जा सकता है। ब्रजनाथ, छाया भावाभास का स्वरूप बतलाइए। बाबा जी, आत्म तत्व से अपरिचित सरल कनिष्ठ भक्त जन की भगवत प्रिय क्रिया काल देश और पात्र आदि के संग से रति के लक्षणों के समान शूद्र कौतूहलमयी चंचला और दुखहारिणी एक प्रकार की रति छाया उदित होती है, उसे ही छाया रत्याभास कहते हैं। भक्ति कुछ हद तक शुद्ध होने पर भी दृढ़ नहीं होती, उसी समय यह रत्याभास उदित होता है। जैसा भी हो, यह छाया भावाभास अनेक सुकृति के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि छाया भावाभास सत्संग द्वारा शुद्ध होकर क्रमशः शुद्ध भाव के रूप में उदित हो जाता है। परंतु स्मरण रहे
कि यह भावाभास जितना भी उत्तम क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध होने पर कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। भावाभास की तो बात ही क्या, शुद्ध भाव भी कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने पर क्रमशः तिरोहित हो जाता है। सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति का अधिक संग करने पर भाव भी भावाभास हो पड़ता है, अथवा अपने में ईश्वर होने का अभिमान ला देता है। इसलिए कहीं कहीं नृत्य करते करते नवीन भक्तजनों में मुक्ति पक्षीय ईश्वर भाव उदित होते हुए देखा जाता है। नवीन भक्तजन ही बिना सोचे समझे मुमुक्षुओं अर्थात मुक्ति कामियों का संग करते हैं, इसी से उनमें ये सब उपद्रव उपस्थित होते हैं। इन नवीन भक्तों को मुमुक्षु व्यक्तियों का संग सावधानी से परित्याग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अकस्मात भावोदित हो गया है। इसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ही साधन किया था, परंतु अभी तक नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं के कारण उसके पूर्व जन्म के सुसाधनों का फल उत्पन्न नहीं हो सका था। परंतु बाधा दूर होते ही अकस्मात उसके हृदय में शुद्ध भाव का उदय हो गया। कभी कभी कृष्ण की आयतों की कृपा से भी ऐसा श्रेष्ठ भाव अकस्मात उत्पन्न हो जाता है। इस भाव को श्री कृष्ण प्रसादज भाव कह सकते हैं। असल भाव प्रकाशित होने पर भी, भावों के आचरण में कुछ कुछ दोष सा परिलक्षित होने पर भी उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाव उदित होने पर साधक सब तरह से कृतकृत्य हो जाता है। ऐसी दशा में उसे पाप आचरण संभव नहीं है। यदि कभी वैसा पापाचार दिखाई पड़े तो इस विषय में दो प्रकार से विचार करना चाहिए। महापुरुष भक्त का संयोगवश एक पाप कार्य हो गया, वह उसमें कभी स्थायी रूप में नहीं रह सकता, अथवा पूर्व जन्म के कुछ पापाभास हैं जो भाव उदय होने पर भी अभी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सके हैं, अब शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। ऐसा सोचकर भक्तजनों के मामूली दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि ऐसे स्थल पर भी दोष देखा गया तो नाम अपराध हो जाएगा। नरसिंह पुराण में ऐसे दोषों पर ध्यान देने के लिए निषेध किया गया है। भगवती चा हराव अनन्य चेता वृषमलिनो अपि विराजते मनुष्यः ना ही शश कलुश्च छवि कदाचित तिमिर परो भवताम उपैति चंद्रः। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा शशांक युक्त होने पर भी कभी अंधकार से ढक नहीं जाते, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति अनन्य भाव से युक्त मानव अतिशय दुराचारी होने पर भी शोभा पाता रहता है। इस उपदेश से ये न समझ लेना कि भक्तजन निरंतर पाप ही किया करते हैं। वास्तव में भक्ति निष्ठा उत्पन्न होने पर पाप वासना नहीं रहती, परंतु जब तक शरीर वर्तमान रहता है तब तक घटनावशता अकस्मात कोई पाप कर्म हो जाता है, किंतु वे अनन्य भक्त अपने भजन प्रभाव से उस पाप को तक्षण उसी प्रकार जला डालता है जैसे ज्वलंत आग रुई के छोटे से ढेर को जला देती है, और आगे के लिए वह सावधान हो जाता है जिससे पुनः कोई पाप न होए। अनन्य भक्ति के उदित होने पर समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जो लोग बारंबार पाप करते हैं उन्हें अनन्य भक्ति नहीं हुई है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति क्रिया के साथ साथ बारंबार जानबूझकर पाप करना नाम अपराध है, जो भक्ति वृत्ति को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। भक्तजन इस अपराध से बहुत दूर रहते हैं। रति स्वभावता निरंतर उत्तरोत्तर अभिलाषमयी होने के कारण अशांत स्वभाव युक्त उष्ण और प्रबल आनंदमयी होती है, तथा संचारी भावरूप उष्णता उगलकर भी करोड़ों चंद्र से भी अधिक सुशीतल और अमृतमय स्वादयुक्त होती है। ब्रजनाथ और विजय कुमार भाव तत्व की व्याख्या सुनकर बड़े चकित हुए और भाव में मग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद बोले, प्रभो आपने हमारे दग्ध हृदय में उपदेश अमृत के प्रबल रूप में वर्षा कर प्रेम की बाढ़ ला दी है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ब्राह्मण कुल में जन्म होने का प्रचुर अभिमान है,
दीनता का हृदय में सर्वता अभाव है। ऐसी दिशा में हमारे लिए भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। तब केवल एकमात्र यही भरोसा है कि आप बड़े प्रेममय और दयालु हैं। एक बूंद प्रेम प्रदान करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे। आपके साथ हम लोगों का जो पारमार्थिक संबंध स्थापित हुआ है, वही हमारी आशा का एकमात्र स्थल है। हम अतिशय दीनहीन और अकिंचन हैं और आप भगवत पार्षद और परम कृपालु हैं। कृपा कर हमें हमारे कर्तव्य के विषय में उपदेश प्रदान करें। मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इसी क्षण घर बार छोड़कर आपके चरण कमलों का दास होकर यहीं पड़ा रहूं। विजय कुमार उचित अवसर देखकर बोले, प्रभो, ब्रजनाथ अभी बालक है। इनकी माता इन्हें गृहस्थ बनाना चाहती है, परंतु ये ऐसा नहीं चाहते। कृपा कर इस विषय में इन्हें क्या करना चाहिए आज्ञा दीजिए। बाबा जी, तुम लोग कृष्ण के कृपा पात्र हो। अपने संसार को कृष्ण का संसार बनाकर कृष्ण की सेवा करो। हमारे महाप्रभु ने जगत को जो शिक्षा दी है, जगत उसी शिक्षा पर अमल करे। जगत में दो प्रकार से रहकर भगवत भजन किया जा सकता है, गृहस्थ रहकर अथवा गृह त्याग कर। जब तक गृह त्याग का अधिकार ना हो, तब तक मनुष्य को गृहस्थ रहकर ही कृष्ण सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला के पहले 24 वर्षों में जो लीला की है, वह गृहस्थ वैष्णवों के लिए आदर्श और अंतिम 24 वर्षों तक की लीला गृह त्यागी वैष्णवों का आदर्श है। गृहस्थ वैष्णव महाप्रभु जी के गृहस्थ जीवन को लक्ष्य कर अपना आचरण निर्णय करें। मेरी समझ से तुम लोग भी वही करो। ऐसा ना समझना कि गृहस्थ आश्रम में कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं की जा सकती। महाप्रभु के अधिकांश कृपा पात्र तो गृहस्थ ही थे, जिनकी चरण धूलि के लिए गृह त्यागी वैष्णव भी प्रार्थना करते हैं। रात अधिक हो गई। विजय और ब्रजनाथ दोनों ने अन्य वैष्णवों के साथ हरि गुणगान करते करते शिवासांगन में सारी रात बिताई। प्रातःकाल शौच आदि क्रियाओं से निपटकर गंगा स्नान करने के पश्चात गुरुदेव और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया। पुनः संकीर्तन के बाद महाप्रसाद सेवा कर तृतीय पहर घर लौटे। विजय कुमार ने अपनी बहन को बुलाकर कहा, तुम ब्रजनाथ के विवाह की तैयारी करो, ये विवाह करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए मोद्रुम जा रहा हूँ, विवाह की तिथि तय होने पर खबर देना। मैं सपरिवार आकर विवाह का शुभ कार्य संपन्न करूँगा। मैं कल ही हरिनाथ उनके छोटे भाई को यहाँ भेज दूंगा, वे यहाँ रहकर सारी व्यवस्था करेगा। ब्रजनाथ की माँ और दादी को तो मानो पृथ्वी का राज्य मिल गया, वे बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने विजय कुमार को नए वस्त्र आदि देकर विदा किया। 22वां अध्याय समाप्त।